यश ज्वेलरी हाउस परेशान मीडिया की तरफ से अमृतसर के एमके होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नितेश करवा चौथ का चुनाव हुआ। वही बात करते हुए कंटेस्टेंट द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा यह अवार्ड की काफी इंजॉय किया गया। देखो जी, अज सुहागणा का त्यौहार करवा चौथ है। सारे शहर बड़े प्रोग्राम होंगे, इस तरह ईशान मीडिया ग्रुप वालों अज ब्लूम बुटीक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम कराया गया। शहर दियाँ बड़िया नामी ग्रामी हस्तियाँ इस प्रोग्राम शामिल सी। बहुत सारिया लेडीज़ ने, लड़कियाँ तो लेडीज़ दोनों ही, क्योंकि ये कंपीटिशन से मिसिज करवा चौथ तो मिस करवा चौथ। सो ये प्रोग्राम हमने ही खत्म होया। बहुत वधिया टैलेंट इतने नज़र आया, लेडीज़ ने बहुत इंजॉय किया। ईशान मीडिया ग्रुप वालों अर्चना ठाकुर जिन्होंने प्रोग्राम कराया वो वधाई के पात्र ने। सरबी वर्मा मैडम साडे चीफ गैस सीगे, ते बहुत सारे स्पॉन्सर जिन्होंने शहर तो इस प्रोग्राम स्पॉन्सर किया। असं भी खुद इस प्रोग्राम च आए हैं, मैं, मेरी वाइफ, स्टिचुअल बुटीक वाइफ वालों। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। सर की कहना चाहोगे, डेंगू भी बड़ी चल रहा है, की कहना चाहोगे? आज के दिन वर्त रखा गया होता है कि डेंगू बड़ा चल रहा है, की कहना चाहोगे? देखो जी, जिन्नियां मर्जी अड़चना आन, साड़ियाँ लेडीज़, भारतीय लेडीज़ अपना वर्त जरूर रखती हैं। नो डाउट कि डेंगू इस वे बहुत डंग मार रहा, बहुत सारे फैमिलीज़ ये प्रभावित हुई हैं, बहुत सारे लोग हस्पताल दाखिल हैं, पर लेडीज़ का जोड़ा जज्बा है वो देखें बनता है। उसके बावजूद उन्होंने अज वर्त रखा हुआ है। हूँ इस वे कथा चल रही पंडित जी की, तो मेरे ख्याल पौने 9 बजे From Peer Institutes, I enjoyed a lot coming here today. It was a great event for me to be a chief guest with Archana Thakur ma'am from Ishan Media House. और finally मैं ये लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो आज हमें इस मीडिया ने चांस दिया है, हम enjoy करें, हमें इस इवेंट को personally अपने घर के लेवल पर भी enjoy करना चाहिए। And I want everybody to be as pure as outside, as pure from inside. मेरा नाम मुस्कान कपूर है, मैं एंजल्स पैराडाइज की एमटी हूँ और ग्रेस हेल्थ केयर की को फाउंडर हूँ। आज मैं इस इवेंट में एज अ जज आई थी और हमने बहुत इन्जॉय किया, पार्टिसिपेंट्स ने भी खूब इन्जॉय किया और आज की शाम सच में एक स्पेशल शाम हम सब के लिए बनकर रह गई है। क्या मैसेज देना चाहूँगी? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हर औरत को सच संवर कर रहना चाहिए। बाहर की खूबसूरती के साथ साथ दिल की खूबसूरती भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और चेहरे की मुस्कान कभी ना खोए अपने चेहरे से। अमृतसर से सोनू सोढ़ी की रिपोर्ट।